नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहला पॉइंट है क्या, गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया किया जाना प्रस्तावित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलियान से गए, वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, KT पाल। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगल फकीर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सम्मेलन व वर्ष, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारियों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में तेज बहादुर संप्रू ने महान भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सांप्रदायिक पंचतंत्र एवं या पुना एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सांप्रदायिक पंचतंत्र चार्ट की घोषणा किसने की थी, रेमजे मैकडोनाल्ड ने, ये तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, हरिजनों या दलितों के लिए अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचतंत्र के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था, सांप्रदायिक पंचतंत्र के समय। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, पुणे एक्ट किस वर्ष से संबंधित है, दलित वर्ग से। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, पूना समझौता। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी, क्रमशः सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना एक्ट में 148। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते थे लेकिन स्थन नहीं, यह कथन किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वर्ष 1932 में पूना एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटेस्टेबिलिटी लिंक की स्थापना की, बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था का स्थापना की थी, हरिजन सेवक संघ के। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते को विरोध किया था।